स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास पॉलीकेटा का इंट्रोडक्शन, उसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ हम उसकी लोकोमोशन को डिस्कस करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है फाइलम एनिलिडा की। तो हम अपने टॉपिक को मेंशन करते हैं, क्लास पॉलीकेटा। क्लास पॉलीकेटा, तो स्टूडेंट्स ये क्लास है फाइलम एनिलिडा की। तो सबसे पहले मैं फाइलम एनिलिडा की क्लासिफिकेशन यहाँ पर लिख दूँ, ताकि हमें पता हो कि फाइलम एनिलिडा में कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं। तो एक्चुअली इसमें तीन क्लासेस हैं। नंबर वन पे इसमें क्लास है जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन भी, इसे हम कहते हैं क्लास पॉलीकेटा। इसकी जो दूसरी क्लास है उससे हम कहते हैं ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। और इसकी जो तीसरी क्लास है उससे हम कहते हैं क्लास हायरोडीनिया। ये तीन क्लासेस हैं फाइलम एनिलिडा की, क्लास पॉलीकेटा, ओलिगोकीटा एंड हायरोडीनिया। तो आज हम इस क्लास पॉलीकेटा में इसका इंट्रोडक्शन, उसके साथ साथ एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ लोकोमोशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लार्जेस्ट क्लास है फाइलम एनिलिडा की। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा की ये लार्जेस्ट क्लास है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है, तो 5300 नंबर ऑफ स्पीशीज इसके अंदर कंजिस्ट करती हैं। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो साइज है इसके जो एनिमल्स हैं 5 to 10 सेंटीमीटर्स, 5 to 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है इन एनिमल्स की। उसके बाद अगर हम इनके हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिटेट में ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में अडॉप्टेड हैं, यानी कि अडॉप्टेड इन मैनी हैबिटेट्स। ये कौन कौन से हैबिटेट्स हैं हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ओशन फ्लोर में भी पाए जाते हैं, ओशन फ्लोर यानी कि समुद्रों का जो तह होती है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद ये सैंड में भी पाए जाते हैं, उसके बाद ये रॉक्स में भी पाए जाते हैं, जो रॉक्स चट्टानें होती हैं ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। चट्टानों के साथ साथ ये क्रिवाइसेस यानी कि दराड़ें जो होती हैं ऑफ कोरल रीफ, कोरल रीफ्स की जो चट्टान जो दराड़ें होती हैं ये उनके अंदर भी पाए जाते हैं। उसके बाद ये लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स मेक लॉन्ग ट्यूब्स इन सैंड, ये रेत के अंदर लॉन्ग ट्यूब्स भी बनाते हैं और उन लॉन्ग ट्यूब में म्यूकस सेक्रीट करते हैं और फिर उसी लॉन्ग ट्यूब के अंदर ही अपनी लाइफ गुजारते हैं। तो ये हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इसका साइज़ कितना होता है, इसमें नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी हैं, उसके बाद ये कहाँ पर रहते हैं, तो हमने इसके इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया। तो अब हम इसके एक्सटर्नल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स भी हम इनको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल फीचर में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनमें पैरापोडिया। ये पैरापोडिया क्या होते हैं, इंतहाई आसान सी चीज़ है, चूँकि हमें पैरापोडिया को समझने के लिए हम इनकी डायग्राम बनानी पड़ेगी, तो डायग्राम भी बनाते हैं। तो हम इसको साथ डिफाइन भी कर लेते हैं कि ये जो पैरापोडिया हैं ये होते क्या हैं, कि एक्चुअली एक्सटेंशन हैं, एक्सटेंशंस ऑफ बॉडी सेगमेंट्स,
एक्सटेंशंस ऑफ बॉडी सेगमेंट्स, क्योंकि हमें पता है कि इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिक होती है, इट मीन बहुत सारे सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है, तो उन हर सेगमेंट के अंदर लेटरल साइड पर यानी कि साइडों पर कुछ एक्सटेंशन होती हैं और हम उन एक्सटेंशन को हम पैरापोडिया कहते हैं। अब वो जो पैरापोडिया होते हैं वो सपोर्टेड होते हैं, यानी कि बॉडी की लेटरल साइड पर पैरापोडिया बॉडी के साथ सपोर्टेड होते हैं और वो काइटन के रॉड्स के जरिए से सपोर्टेड होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि सपोर्टेड बाय काइटेनियस रॉड्स, सपोर्टेड बाय काइटेनियस रॉड्स, काइटन के रॉड्स होते हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं। अब हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, हम इसकी ब्रीफ सी छोटी सी डायग्राम बनाते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। यहाँ पर देखिए, ये जस्ट मैंने दो सेगमेंट्स बनाए हैं, ये दो सेगमेंट्स, क्योंकि इनकी बॉडी तो ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स पर कंसिस्ट करती है, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पैरापोडिया हमने ये जस्ट दो सेगमेंट्स बनाए हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं और ये लेटरल साइड पर मौजूद होती हैं बॉडी के, और इनको हम पैरापोडिया कहते हैं। तो अभी हमने कहा कि एक्सटेंशन ऑफ बॉडी सेगमेंट सपोर्टेड बाय काइटेनियस रॉड्स, तो इनमें ये काइटेनियस रॉड्स होते हैं, इनके ज़रिए से ये सपोर्टेड होती हैं बॉडी के साथ और ये एक्सटेंशंस हैं एक्चुअली। अब बात ये है कि यही जो पैरापोडिया हैं इनकी कुछ मज़ीद एक्सटेंशंस होती हैं। अगर हम इस पैरापोडिया को थोड़ा सा बड़ा करके देखें, ये बॉडी वॉल है, अगर हम इसको पैरापोडिया कंसीडर करें तो ये पैरापोडिया कुछ इस तरीके से होते हैं हमारे पास पैरापोडिया। ये देखें, ये पैरापोडिया, ये दरमियान में काइटेनियस रॉड्स हैं, लेकिन यहाँ पर देखें इसकी छोटी छोटी एक्सटेंशंस भी मौजूद हैं कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर देखें छोटी छोटी इन्वेजिनेशंस हैं। तो इन इन्वेजिनेशन पर कांटेनुमा स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं और ब्रिसल लाइक या कांटेनुमा साखते हैं, तो इनको हम कहते हैं सीटी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पैरापोडिया है और पैरापोडिया के ऊपर ही स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, वो कौन सी हैं, सीटी हैं, और सीटी को हम क्या कहेंगे कि दीज आर ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द इन्वेजिनेशन ऑफ पैरापोडिया, जो पैरापोडिया की इन्वेजिनेशन हैं वहाँ से ये एक्सटेंड करती हैं। तो हम लिखते हैं कि दीज आर ब्रिसल, ब्रिसल मीन कांटेनुमा, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन पैरापोडिया, पैरापोडिया के ऊपर ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सिटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सिटी के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि ये सिटी क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पैरापोडिया हैं इसके बाद बॉडी के और कौन कौन से पोर्शन हैं। अगर हम इसके बॉडी की लेंथ को देखें तो इसके अंदर फर्स्ट टू पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो एंटीरियर रीजन पर भी होते हैं और डार्सल पोर्शन पर भी होते हैं। हम गौर करते हैं वो कौन कौन से हैं। इनमें सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारे पास है, हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट हैं, वो है परोस्टोमियम। परोस्टोमियम एक्चुअली ये बॉडी का फर्स्ट पार्ट है, ये मौजूद होता है यानी कि डार्सल और एंटीरियर, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन से आगे की तरफ बढ़ा हुआ, बिल्कुल फ्रंट वाले पोर्शन से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा होता है। तो ये परोस्टोमियम है, ये हम लिख सकते हैं कि एंटीरियर एंड डार्सल पोर्शन, एंटीरियर एंड डार्सल विद मैनी सेंसरी स्ट्रक्चर्स, इसमें बहुत सारी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। कौन कौन सी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, हमने डायग्राम भी बनानी है, साथ में उन सेंसरी स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना लेता हूँ कि ये हमारे पास इनके बॉडी का सेगमेंट है, सॉरी ये बॉडी का सेगमेंट है, ये हमारे जो बॉडी के पोर्शंस है ना उनमें से है। तो फर्स्ट हमने पढ़ना है
प्रोस्टोमियम, तो हम प्रोस्टोमियम की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इस तरीके से ऐसे होता है, ऐसे ये हमारे पास जो पोर्शन है ये मैं लाइन लगा रहा हूँ, इस पोर्शन से ऊपर वाला ये सारे का सारा प्रोस्टोमियम है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि दिस वन इज प्रोस्टोमियम। ये प्रोस्टोमियम जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं, सेंसरी। अब इसमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स कौन सी हैं उनको हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, सबसे पहली जो सेंसरी स्ट्रक्चर यहां पर हम डिस्कस करेंगे वो है पाल्प, पाल्प्स। तो पाल्प्स इनके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर है जो यहां पर मौजूद होती है, और वो कैसे है यहां पर गौर करना है आपने। ये वाली चीज, ये यहां से लेकर ये वाली चीज़, और इधर में यहाँ से लेकर ये वाली जो चीज़ है इसको हम पाल्प कहते हैं। यहाँ पर मैं नंबर वन लिख देता हूँ, इधर हमने पाल्प यहाँ पर लिखा है तो यहाँ पर भी नंबर वन लिख देता हूँ। तो ये पाल्प एक्चुअली सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनके बॉडी में पाई जाती हैं। आगे कौन कौन सा, हर सेंसरी स्ट्रक्चर का कौन सा फंक्शन है वो हम नेक्स्ट जो डिफरेंट टॉपिक्स होंगे हम उनके अंदर इनको डिस्कस करेंगे। स्टिल हमारे सिलेबस में यहाँ तक इनकी जस्ट सेंसरी स्ट्रक्चर्स के नाम हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये दूसरी स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन कलर में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये दूसरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटीना। ये एंटीना भी सेंसरी स्ट्रक्चर है, और ये दूसरी सेंसरी स्ट्रक्चर है जो प्रोस्टोमियम में प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर तीसरी स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, इस तीसरी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं नकल आर्गन, नकल आर्गन। अब ये जो नकल आर्गन है ये कैसे होता है इसको आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये इस तरीके से है बच्चे, ये देखें यहाँ पर एक डिप्रेशन है, छोटी सी कप लाइक स्ट्रक्चर है, और इसमें छोटे छोटे सीलिया मौजूद होते हैं इस तरीके से। ये सीलिया, ये एक्चुअली ये जो छोटे छोटे सीलिया हैं ये इस ग्रूव के अंदर, इस कप के अंदर, इस छोटी सी इन्वेजिनेशन के अंदर मौजूद हैं, और ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर है जो कि प्रोस्टोमियम में होती है, और ये एक नहीं होती, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोस्टोमियम में बहुत सारे नकल आर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, और ये भी सेंसेशन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने प्रोस्टोमियम को डिस्कस किया है, अब इसका जो दूसरा पोर्शन है यहाँ से लेकर, गौर करिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पेरिस्टोमियम, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रोस्टोमियम। ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा है, प्रोस्टोमियम है, और ये इस ये वाला जो लेंथ है या यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम। तो स्टूडेंट्स अब हम पेरिस्टोमियम को डिस्कस करते हैं। इस पेरिस्टोमियम में भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो इसके अंदर सेंसरी टेंटेकल्स हैं ये वाले। तो एक्चुअली ये सेंसरी टेंटेकल्स इस पेरिस्टोमियम के अंदर प्रेजेंट है, और ये पेरिस्टोमियम जो है ये पीछे है प्रोस्टोमियम के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेरिस्टोमियम कंटेन सेंसरी टेंटेकल्स, सेंसरी टेंटेकल्स। तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया कि सेंसरी जो प्रोस्टोमियम है वो क्या है, पेरिस्टोमियम क्या है, और सेंसरी स्ट्रक्चर इसके अंदर कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हमने पैरापोडिया, सीटीएन, तमाम चीज़ों को भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो बॉडी की एपिडर्मस है वो कैसे होती है। तो स्टूडेंट्स आसान सी चीज़ है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इनकी एपिडर्मस है, ऐसे ये हम एपिडर्मस इसको हम कंसीडर अगर करें तो हम कहते हैं कि इसकी जो एपिडर्मस है उसके ऊपर एक लेयर होती है,
और उस लेयर, वो लेयर डेड होती है यानी कि नॉन लिविंग होती है, और उसके ऊपर यानी कि वो जो लेयर है वो डेड सेल से बनी होती है और वो सेल कलमनर सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये ऊपर मैं लेयर बना देता हूँ। सबसे पहले हम लेयर बना लेते हैं, कैसे, ये सेल्स हैं और ये कौन से सेल्स हैं, ये कलमनर सेल्स हैं। कॉलमनर सेल्स हमें पता है कि ये कॉलम लाइक होते हैं, ये इलोंगेटेड होते हैं। ये कॉलम लाइक जो सेल्स हैं वो एक्चुअली क्या बना रहे हैं, इसकी क्यूटिकल बना रहे हैं। क्यूटिकल नॉन लिविंग है और प्रोटेक्टिव है, और ये क्यूटिकल एक्चुअली क्या बनाती है, एपिडर्मस बनाती है, यानी कि इनकी जो बॉडी की वॉल है उसे हम एपिडर्मस कहते हैं। इस एपिडर्मस में क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एपिडर्मस। ये जो एपिडर्मस है, इस एपिडर्मस में क्या चीज़ होती है, इसमें होती है क्यूटिकल, क्यूटिकल होती है। अब ये जो क्यूटिकल है ये कौन से सेल से, ये क्या होती है, डेड होती है, ये डेड होती है। और इस डेड क्यूटिकल में कौन सी चीज़ होती है, इसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलमनर सेल्स। तो स्टूडेंट्स हमें समझ आ गया कि एपिडर्मस किस चीज़ से बनी होती है। अब बात यह है कि इसके अंदर बहुत सारे स्पीशीज़ में कुछ ग्लैंड्स होते हैं इस तरीके से, यानी कि एपिडर्मस में कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कंपाउंड सेक्रेट करते हैं, और ये जो ग्लैंड कंपाउंड सेक्रेट करते हैं वो ल्यूमिसेंट होते हैं यानी कि चमकदार होते हैं। तो चूँकि ये जिंदा जानदारों से एक केमिकल सेक्रीट हो रहा है जो कि चमक पैदा कर रहा है, तो इस वजह से इन ग्लैंड से सेक्रीट होने वाले कंपाउंड को हम बायोल्यूमिसेंट कंपाउंड कहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि सम इन सम स्पीशीज एपिडर्मस कंटेन ग्लैंड्स, एपिडर्मस कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रीट बायो ल्यूमी सेंट कंपाउंड, बायो ल्यूमी सेंट कंपाउंड सेक्रीट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने बॉडी वॉल के साथ साथ इसकी एपिडर्मस को भी डिस्कस कर लिया है। जी स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं लोकोमोशन इन पॉलीकिड्स। तो लोकोमोशन इन पॉलीकिड्स, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसमें लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी में दो किस्म के मसल्स होते हैं। कौन कौन से मसल्स हैं, हम उनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले नंबर वन टाइप ऑफ मसल विच आर इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। और याद रखिए कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं ये एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म में होते हैं। एंटागोनिस्टिक पेयर मीन कि ये होते तो पेयर की फॉर्म में है लेकिन इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। तो हम कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन एंटागोनिस्टिक पेयर्स। ये क्या होते हैं, एंटागोनिस्टिक पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद एंटागोनिस्टिक पेयर की फॉर्म का मतलब ये है कि अगर एक रिलैक्स करेगा तो उससे अपोजिट में जो होगा वो कंट्रैक्ट करेगा। तो इसी तरीके से इनमें अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है। तो दूसरी टाइप के हमारे पास जो मसल्स हैं उनको हम कहते हैं पैरापोडियल मसल्स, पैरापोडियल मसल्स। तो इनको पैरापोडियल मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पैरापोडिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ड्यू टू प्रेजेंस इन द पैरापोडिया सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज पैरापोडियल मसल्स। अब इन पैरापोडियल मसल्स की खासियत ये है कि इनको समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि हमेशा ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ जब शॉर्ट होती है तो वो लेंथ में कम होती है, लेकिन ये शॉर्ट होने से लेंथ में कम होने की बजाय ये अपना साइज़ बरकरार रखते हैं लेकिन अपना एक लूप बना लेते हैं।
वो जो लूप होता है वो पैरापोडिया को एक्सटेंड करने में हेल्पफुल होता है। कैसे, अब इसको समझिए। ये हमारे पास कोई बॉडी है इनकी, यानी के पॉलीकिड्स की। अब इस बॉडी वॉल के नीचे ये वाले मसल मौजूद हैं, इन मसल को हम कहते हैं पैरापोडियल मसल। अब याद रखिए, इन पैरापोडियल मसल की मदद से पैरापोडिया बड़े भी होते हैं, पैरापोडिया छोटे भी होते हैं। अगर ऐसा है कि ये अगर शॉर्ट होते हैं, तो शॉर्ट तो ये ऐसे होंगे कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ ये मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो ये शॉर्ट होगा। लेकिन इनके शॉर्ट होने से ये लूप का साइज बढ़ जाता है। तो जैसे ये लूप का साइज बढ़ता है, इन्हीं मसल का जो लूप है इसका साइज बढ़ता है, तो ये कुछ इस तरीके से बड़े हो जाते हैं। तो जब ये लूप बढ़ता है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो मौजूद पैरापोडिया वो भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझने में प्रॉब्लम होता है कि जब यहाँ पर ये पैरापोडियल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो कंट्रैक्शन से पैरापोडिया बड़े कैसे होते हैं, हालांकि रिलैक्स करने से बड़े होंगे, तो ऐसा नहीं है। ये कंट्रैक्ट करेंगे, लूप बढ़ेगा और ये पैरापोडिया को बढ़ा देंगे। ये रिलैक्स करेंगे, तो जब ये रिलैक्स करेंगे, जब ये इस तरफ रिलैक्स करेंगे तो ये ऐसे खींचेंगे तो ये लूप अंदर की तरफ आ जाएगा और पैरापोडिया क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अब इस बात को समझना है आप लोगों ने। अब दूसरे मसल हम देख लेते हैं, वो है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं कि इनकी लोकोमोशन जो है वो कैसे होती है। गौर करना है, हमारे पास ये बॉडी है इनकी, यानी के पॉलीकिड्स की। अब यहाँ पर गौर करिए, इस साइड पर एक इसकी ये साइड है इस पूरे बॉडी की, दूसरी इसकी ये वाली साइड है इस पूरे बॉडी की। अगर हम इनको पॉइंट ऑफ रेफरेंस देखें तो इस साइड से ये जगह ऊपर को उभरी हुई है, इस साइड से ये जगह ऊपर को उभरी हुई है, यानी कि ये वाली इस तरीके से ऊपर को उभरी हुई है, ये वाली इस तरीके से अंदर की तरफ दबी हुई है। इधर की हम बात करें तो ये अंदर की तरफ दबी हुई है और ये बाहर की तरफ निकली हुई है। तो गौर करना है कि वो जगह जहां पर ये जगह ऊपर को उभरी होती है, वहां पर मसल्स होते हैं इनके अंदर, और उन मसल को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब इसके अपोजिट में ये जगह शॉर्ट है, तो ये मसल लॉन्गिट्यूडनल जो है एक साइड पर रिलैक्स कर रहा है, तो इसकी अपोजिट साइड पर जो मसल होगा वो कंट्रैक्ट कर रहा होगा। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर उलट प्रोसेस होगा, ये वाली जगह बाहर की तरफ निकली हुई है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स फॉर्म में होगा, ये अंदर की तरफ दबी हुई है तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में होगा। तो ये वाली जगह बाहर को निकली हुई है तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होगा और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर हम इनके पेयर बना दें तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये एंटागोनिस्टिक पेयर, ये एंटागोनिस्टिक पेयर, ये एंटागोनिस्टिक पेयर है हमारे पास। तो ये हमने यहाँ पर तीन एंटागोनिस्टिक पेयर्स बनाए हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स कर रहा है तो ये कंट्रैक्ट कर रहा है, तो वो पोर्शन जिस साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेगा उस साइड पर पैरापोडियल मसल जो होंगे वो कंट्रैक्ट करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल के रिलैक्स करने से और पैरापोडियल मसल के कंट्रैक्ट करने से यहाँ पर जो पैरापोडिया होंगे वो ज़्यादा बाहर की तरफ निकलेंगे। गौर करिएगा कैसे, वही बात जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताई है। यहाँ पर ये पैरापोडिया हैं, ये पैरापोडिया हैं, यहाँ पर ये मसल पैरापोडियल हैं और इन्होंने क्या किया हुआ है, कंट्रैक्ट किया हुआ है। तो इन कंट्रैक्ट करने से लूप बाहर की तरफ निकला हुआ है, जबकि इनको सपोर्ट करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल मसल ने रिलैक्स किया हुआ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे तो सेम टाइम में पैरापोडियल मसल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसने रिलैक्स किया, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया,
तो जो पैरापोडिया है ये बाहर की तरफ निकल गया। अब अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर भी एक पैरापोडिया मौजूद है, लेकिन ये छोटा है। ये छोटा क्यों है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल ने कंट्रैक्ट किया हुआ है, जबकि सेम टाइम में यहाँ पर मौजूद पैरापोडियल मसल ने रिलैक्स किया हुआ। तो इसने ज़्यादा रिलैक्स किया हुआ, इस वजह से लूप अंदर की तरफ हो गया। तो अब इस वजह से क्या होगा कि एक साइड का पैरापोडिया बाहर निकलेगा तो दूसरी साइड का पैरापोडिया अंदर की तरफ। अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा कि ये अंदर की तरफ जगह दबी हुई है, तो यहाँ पर जो पैरापोडिया होंगे वो भी शार्ट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पैरापोडियल मसल हैं वो रिलैक्स कर रहे होंगे। यहाँ पर ये वाले जो मसल्स हैं कौन से हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये रिलैक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंट्रैक्टेड फॉर्म में होगा पैरापोडियल मसल। इस वजह से यहाँ पर जो पैरापोडिया होंगे वो बाहर की तरफ निकले होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि इस तरीके से एक साइड का इनमें असल में जो मूवमेंट होती है वो तो अंडुलेटरी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्सिस, यानी कि इस तरीके से ये मूव करते हैं। तो इन इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो पैरापोडिया हैं ये ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर ये क्रॉलिंग कर रहे हैं तो भी ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे और सपोर्ट देंगे। उसके बाद अगर ये वॉकिंग कर रहे हैं तो भी ये इस तरीके से ये पैरापोडिया वन साइड के बाहर निकलेंगे, दूसरी साइड के अंदर की तरफ आएंगे, तो इस तरीके से इनके अंदर मूवमेंट होगी। चाहे ये स्विमिंग करेंगे तो भी इसी तरीके से करेंगे, क्रॉलिंग करेंगे तो भी इसी तरीके से करेंगे, और अगर वॉकिंग करेंगे तो भी इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर गौर करना है कि यहाँ पर एंटागोनिस्टिक पेयर हैं कि एक साइड के लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे तो दूसरे कंट्रैक्ट करेंगे। लेकिन याद रखिए कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जहाँ पर रिलैक्स कर रहे हैं सेम टाइम में पैरापोडियल मसल जो है वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो पैरापोडिया बाहर की तरफ, यानी प्रोट्रूडिंग जो है पैरापोडिया की कब होती है, जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करता है और पैरापोडियल मसल कंट्रैक्ट करता है। अच्छा, ये पैरापोडिया शार्ट कब होते हैं, जब ये लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करता है और ये पैरापोडियल मसल रिलैक्स करते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को लोकोमोशन की समझ आ गई होगी।